राजीव गांधी के निजीकरण योजना के अंतर्गत 100 से कम आबादी वाली बस्तियों में भी बिजली पहुंचाई जाएगी। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने पर्यटन और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कोटद्वार के पदम सिंह मैदान में आज से व्यंजन मेला आरंभ हो रहा है। केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी पखवाड़े के तहत कार्यक्रमों के आयोजन चल रहे हैं और एनजी निकुमार कल कोलकाता जिले प्रस्थान करेगा। ऊर्जा मंत्रालय 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे ग्रामीण इलाकों में भी बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम तैयार कर रहा है, जिसकी आबादी 100 से भी कम है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ऐसी बस्तियों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। फिलहाल इस योजना के तहत 300 तक की जनसंख्या वाली बस्तियों को बिजली उपलब्ध कराई जाती है। कल नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत इस वर्ष अब तक 1,00,000 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि ताप ऊर्जा के क्षेत्र में 88,000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने अपने संदेश में मूलभूत सुविधाओं में सुधार और पर्यावरण तथा विकास के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि पर्यटन के जरिए अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की जा सकती है, लेकिन जिस समूह की पहले क्षमता का ध्यान रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल इसका विकास होना चाहिए। इस बार के विषय पर्यटन और जल पर टिप्पणी करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण के अनुकूल चिरस्थायी विकास से प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर संरक्षण हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह ने कार्यक्रम क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से अपील की है कि वे अपनी गतिविधियों को संचालित करते समय इन सभी की पारिस्थितियों का ध्यान रखें। इस बीच पर्यटन दिवस के अवसर पर आज कोटद्वार के प्रदर्शनी मैदान में 3 दिवसीय उत्सव आरंभ हो रहा है।